जब स्कूल में एक दूसरे को बच्चे बार बार तंग करते हैं और वो घर में अपने वालदेन से सवाल करते हैं कि मुझे बार बार तंग करता है तो अब्बू आप कुछ करें, मुझे क्या करना चाहिए, आपको उसकी पूरी बात सुननी चाहिए, उसे गले लगाना चाहिए। जब वो ये कहता है कि मुझे फलां तंग कर रहा है तो उस वक्त आप उसे डिनाई नहीं करें, तुम्हें तो हर कोई तंग करता है, फलां को तो नहीं करता, ये नहीं करें। वो बच्चा जिसकी इमोशनल नीड्स डिस्टर्ब्ड हैं वो आसानी से तंग होता है, वो बच्चा जिसको कोई मान के नहीं दे रहा कि मुझे तंग कर रहे हैं वो ज़्यादा तंग होता है, जिस बच्चे की मेंटरिंग नहीं होती वो ज़्यादा तंग होता है। यानी ज़्यादा आसानी से तंग हो जाने वाला बच्चा इस बात का, कह लीजिए ये मामला ये बता रहा है कि इस बच्चे की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड किया जाए, इस बच्चे की इमोशनल नीड्स समझी जाएं, इस बच्चे को गले लगाया जाए, और ये काम करने से भी ये काफ़ी मुतमईन होगा। और दूसरी बात ये कि ये बात का काम है कि बेटा ये तंग होने वाली बात है या नहीं है, ये बात की बात है। ये कैसे होगा कि बच्चा ये समझे कि कौन सी बात तंग होने वाली नहीं है, ये कौन सी बात है जिस पे तंग होना है, इस बात पे तंग नहीं होना चाहिए मुझे, ये इस काबिल उस वक्त होगा जब इसके साथ कॉन्वर्सेशन बातें होंगी, मुकालमा होगा। घर की फिज़ा में बातों से ज़्यादा तालीमी काम कोई नहीं होता। आपका बच्चा टेबल याद कर रहा है या स्पेलिंग याद कर रहा है, ये बहुत ही मामूली नौइयत का काम है इसके मुकाबले में कि वो आपसे बातें कर रहा है, आपसे खुल के बातें कर रहा है, आप उसका मसला सुन रहे हैं, नाराज़ नहीं हो रहे हैं, आप उससे बातें कर रहे हैं। बातों को कह लीजिए गैर अहम ना जानिए।